एक दिन मेरे अब्बू को पाकिस्तान से किसी दूर के रिश्तेदार से फोन आया और वो अंकल कह रहे थे कि वो पाकिस्तान नहीं कनाडा आ रहे हैं पाकिस्तान से। आए देखे मेरे अब्बू का रिएक्शन। क्या कनाडा आ रहे वीजा लग गया? ओए होए होए बड़ी बात है, कब कल आ रहे हैं? नहीं 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 होटल नहीं कराना, होटल नहीं कराना, इधर रहना मेरे घर पे आके रहना। ओ यार यार चुप करके मेरे घर आना है तूने, बस बस। ये भाई है यार, बचपन में पोटियां साफ की हैं एक दूसरे की। जब मैंने फोन रखा तो शायद माय वाइफ शी वाज लाइक बहुत रूड हो गई थी मेरे साथ। आपने उसको यहाँ बुला लिया घर पे, जगह है हमारे घर पे, काम इतना मेरा काम बचा हुआ है, इतने ज्यादा बर्तन, इतनी ज्यादा सफाई और ऊपर से खाना भी बनाना पड़ेगा। मैंने सोचा आज दाल बना के मैं फारिग करूँ सबको, अब मुझे बिरयानी बनानी पड़ेगी। अच्छा चलो शायद मिल बांट के कर लेंगे इस भाई। मर जाऊंगी काम कर करके। मेरे खानदान वालों को तो कभी नहीं बुलाया, मेरी नानी भी इधर आई थी। सर आपने शायदा मैम की नानी को क्यों नहीं बुलाया अपने घर पे? क्यों भाई, तेरी क्या लगती है वो? सॉरी। नहीं नहीं कहते, तेरी नानी थी? नहीं सर सॉरी। तेरे बाप की नानी थी? नहीं सर। तो चुप कर, इस तरह के पर्सनल सवाल ना पूछा कर। अब उसके अगले दिन सुबह सुबह 7 बजे मैं आराम से सो रहा था और एकदम से मेरी अम्मी आ गई मेरे कमरे के अंदर वैक्यूम लेके। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हां जी क्या हाल चाल है? अम्मी क्या? अम्मी जब हमारे घर पे गेस्ट आ रहे होते हैं ना तो भाई गेम ओवर, पूरे घर की ऊपर से नीचे तक सफाई होती है, सौदा लेके आना होता है और मेरी अम्मी हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाती है। ओहो अभी मैंने साफ किए, यहां से नजर नहीं आ रहा तुम्हें? अंधी हो गई हो? आंखें नहीं है तुम्हारी? यही पानी लेके ना मेरा गला दबा दे, मुझे पानी के अंदर डुबा दे, तू मर जाती हूँ मैं, सुसाइड कर लेती हूँ। ये पकड़ के ना ये दबा दे, ऐसे करके दबा दे। अम्मी ये ले सौदा। ओहो अरे दही बताना भूल गई, जाओ जाओ बेटा जाओ दही लेके आओ, जाओ शाबाश दही लेके आओ, जाओ जल्दी जल्दी। दही यार अम्मी मैं नहीं लेके आ रहा यार, आपने मैं भी इतनी वॉक करके आया हूँ अभी। मैं यहाँ सुबह से काम में लगी हुई हूँ, बिरयानी बना बना के मेरे पैरों में दर्द हो गया, यही गला दबा के ना मैंने आईफिल टावर से छलांग मार देंगे तुम्हारे साथ, जल्दी दही लेके आओ। खैर इसके बाद मेरे अब्बू पहुंच गए एयरपोर्ट अपने कजन को लेने। क्या होगा फटी साहब, मेरा बैग लगा कोई? उस गाड़ी के अंदर रख दिया आपने बैग? हाँ जी अब्बू आपने बोला था महंगी गाड़ी, भाई गाड़ी ये गाड़ी ये आपने बोला था महंगी गाड़ी ले आप रखते हैं, मैंने रखा वो गाड़ी है जाएगी, मेरा बैग नहीं नहीं करते करते कुछ मेरा बैग। हेलो सब कुछ गया? अरे यार ना फिकर कर, मिल जाएगा तेरा सूटकेस यार, पुलिस को मैं कॉल करता हूँ अभी। यार बढ़िया अचार तो रुक जाना चाची का उसमें यार, यार अचार बना लेंगे इधर घर पे, क्या हो गया यार? कच्चा बना लेगा तू मेरा, कच्चा बना लेगा तू मेरा, अभी ले आ तो नया नया कच्चा मैंने। खैर इसके बाद मेरे अब्बू और उनके कजन घर आए और आते ही इन लोग ने खाना शुरू कर दिया। Is my grandfather's getting a heart attack? Oh my god, this is so scary. Hashtag pray for him. Bhatti saab, seena daba angle ka. Seena daba, Bhatti saab, angle ka. Bhatti saab, seena, seena. Bhatti saab, seena, seena. Bhatti! Ye kya kar diya tumne? Abbu, Abbu. बंटी बेटा आपने अपने दादाजी को ऐसा क्यों मारा? No, I was just trying to help. I didn't know that I was gonna hit him and he was gonna die. I don't know. अरे नहीं बेटा आपके दादाजी अभी जिंदा हैं। Oh, he's alive? Yes, बेटा. Why he's alive? इसके फौरन बाद मेरे अब्बू ने एम्बुलेंस को कॉल किया और तकरीबन 1-2 घंटे बाद एम्बुलेंस आ गई थी।
कैसे लेके जा रहे हैं भट्टी साहब अंकल? चल वो देख। अबे साहब कर क्या रहे हो, जल्दी उठाओ बट्टे को। अंकल याद नहीं बन रहा, हॉस्पिटल जाके बन रहा है। ठीक है पट्टी साहब, चलें ठीक हो जाएंगे अंकल। क्यों इतना रो रहे हैं आप अंकल? ठीक हो जाएंगे, हेल्दी हैं अभी अंकल, आप फिक्र ना करें पट्टी साहब। चले खैर, आप काफी थक गए होंगे, ऊपर जाके आप सो जाएं। ठीक है, लेट जाएं। ठीक है जी, मैं सो जाता हूँ। बंटी जाओ अंकल को अपने कमरे में लेके जाओ। शाबाश। हे नो नो, आई एम नॉट शेयरिंग माय रूम विद एनीवन। नो बंटी चुप, लेके जाओ कमरे में, लेके जाओ जल्दी। No, 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 Dad. He smells bad. That's why I'm not gonna share. Bunty, इसी वक्त अपने कमरे में लेके जाओ अंकल को। Bunty साहब रहने दे, मैं बच्चा है, प्राइवेसी होती है, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं, ऐसी एक्टिंग कर रहा है, ये जोक कर रहा है अंकल के साथ है, जोक है, बताओ अंकल को, बताओ जोक कर रहा है, जल्दी। No, Dad, I'm not gonna share my room with anybody. शबाना। Thank you so much for watching this video, guys. It means a lot to me, and I just want to thank you guys for 1 million subscribers. That is unreal. I cannot believe. Just 1 month ago, मैं कह रहा था वो हम लोग 9 लाख पे पहुंच गए, and now you guys have gotten me to 1 million subscribers. Not only me, this is your channel as well. Thank you so much. It's such a huge family, so don't forget to subscribe and let's get to 2 million subscribers. Okay, cut it. Why? Why he's alive?